केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ के संकाय अध्यक्ष राजनीति विज्ञान विभाग के संकाय अध्यक्ष डॉक्टर सूरन सिंह जी, जिन्हें मैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों के बहुत ही सूक्ष्म विशेषज्ञ के रूप में देखता हूं, और अलग एक अलग ढंग की वो बात कहते हैं, बहुत ही उनकी बातों में बहुत ही अध्ययन होता है, गहराई अध्ययन में बहुत गहराई होती है। उनके जो वक्तव्य है उसको देखने के सुनने के अभी भी जो उन्होंने वक्तव्य दिया उसको समझा जा सकता है। इस कार्यक्रम की के प्रायोजक और बहुत ही हमारे युवा और संभावनाशील पत्रकार श्री वीरेन मोहन तिवारी जी, जिन्होंने बहुत ही शानदार विषय है जिसकी बहुत प्रासंगिकता है आज के समय में, उस विषय पर ये वैचारिक आयोजना की, और उनका साथ दे रहे श्री राजीव कुमार जी जो इस कार्यक्रम के और मोनोग्राफ सीरीज के रूप में हम उनको प्रकाशित करने जा रहे हैं। और आज का जो ये विषय है इस पर अगर आप 15-20 दिन के अंदर अगर कोई लेख हमें देते हैं तो उसको हम ISBN नंबर के साथ नेशनल पब्लिशर के रूप में एक एडिटेड बुक भी निकालने जा रहे हैं। तो इस विषय पर लेख भी आमंत्रित हैं। इस गोष्ठी के बाद नाश्ते की व्यवस्था है। आप ये एक परिदृश्य बनता है, और ये परिदृश्य इस विचार गोष्ठी में परिणित होता है हमारे इस कार्यक्रम के सफल संचालक पांडे जी, और हमारे कितने जो इनको मैं जानता हूं, जो हमारे समक्ष बैठे हुए हमारे आदरणीय गुरु जी, हमारे मित्र, हमारे उसमें बहुत विद्यार्थी भी हैं,
सबको मैं याद करते हुए, खास तौर पर जब भी बलिया में कोई कार्यक्रम होता है तो एक चेतना या एक ऊर्जा स्वतः मुझे लग रहा है कि जो धमनिया है उसके रक्त के जरिए वो दौड़ने लगता है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो कार्यक्रम है, क्योंकि कुछ ऐसा रहा कि यहाँ की जो जमीन है सिर्फ कहने के लिए नहीं है कि जो हमें प्रभावित या प्रेरित करती है, तो वो करती है। और साथ इसीलिए लगता है कि वो दूरी 400, 500, 600 किलोमीटर ये कोई मायने नहीं रखता। मैं तो बुंदेलखंड के अंदर भी मुझे कार्य करने का मौका मिला। जेएनयू से निकलने के बाद से टीचर बनने की ही इच्छा थी, जहां असाइनमेंट मिला वहां हम लोग चले गए। और पत्रकारिता से भी वहां जुड़ना पड़ा, क्योंकि वहां की कठिन परिस्थितियां थी, बुंदेलखंड की परिस्थितियां। मतलब जब मैं आज सोचता हूँ बुंदेलखंड के बारे में, जब मैं गया था, मैं 30 साल पहले बुंदेलखंड गया था, जेएनयू से निकला ही हुआ था और 24 साल की उम्र में मुझे वहां नौकरी मिली और टीचिंग मैंने ज्वाइन किया। लेकिन धीरे धीरे वहां की जो परिस्थितियां थी, शायद यही कारण था कि मैंने राजीव जी से के जरिए मैंने कुलपति महोदय से अनुरोध किया कि मैं लखनऊ से भी हम लोग वक्ता ला सकते थे, दिल्ली से भी हम वक्ता ला सकते थे, लेकिन एक ऐसे वक्ता मैंने कहा कि अगर उसको लाया जाए जो सीधे रोशनी का जो अंधेरों में अलंबरदार होता है और लहू घुल के फैलता है जब रोशनी में, लहू घुल के फैलता है जब रोशनी में, तब जाके सुबह में शाया हवार होता है। धन्यवाद। कोई भी सूचना एकाकी नहीं होती, खासतौर से इस संदर्भ में जो आजकल छप रहा है, जो चीजें आ रही हैं आंकड़ों के संबंध में मैं कहना चाहूंगा। जब आंकड़े आते हैं कि साहब इस क्षेत्र में इतने ज्यादा काम हो गया, इतने किलोमीटर सड़क बन गया, इतनी बिल्डिंग बन गई या इतना बांध बन गया, 40 साल पहले तो ये 10 ही था, ये सच है कि 10 था। थोड़ी देर में बात करते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि रिपोर्टिंग इस तरह से हो कि उस संसाधन में हमने क्या किया और आज के संसाधन में हम क्या कर पा रहे हैं। सिर्फ बात इतने कहने से नहीं बनेगी कि आज हम 27 किलोमीटर सड़क बना रहे हैं तो बहुत बड़ा झंडा गाड़ दिए हैं, और कल 3 किलोमीटर सड़क बनी थी कोई बात नहीं। हमें उन नींव के पत्थरों को भी ध्यान से देखना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नींव के पत्थर सब सही थे, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे आकलन में एक तरफा बात ना हो, खासतौर से जब हम सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं, आंकड़ों की बात कर रहे हैं, क्योंकि यही प्रश्न अभी हमारे संचालक महोदय ने उठाया विश्वसनीयता का। एक युग था कि अखबार की हर चीज विश्वसनीय थी, जब परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र अखबार के दिए हुए डाटा को, अखबार के दिए हुए आंकड़ों को, अखबार की दी हुई सूचनाओं को अधिकृत मानकर उसको अपनी परीक्षाओं के लिए तैयार करते थे। आज इसी किसी शताब्दी के प्रारंभ होते होते स्थिति आ गई कि फेक न्यूज जैसे शब्द भी हमारे लिए इस्तेमाल होने लगे, इससे पूर्व हमारे लिए पेड न्यूज जैसे खबर समाचार दिया है। मिशन और प्रोफेशन की भी बात है, ये सच है कि हमने मिशन से शुरू किया था, सच है कि पत्रकारिता एक मिशन से प्रारंभ हुई था, लेकिन क्या उस व्यक्ति को अपना एक प्रोफेशन कि आज के मुख्य अतिथि श्री केपी सिंह जी का आप स्वागत करें पुष्पगुच्छ स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्रम से। माननीय कुलपति जी स्वागत कर रहे हैं आज हमारे मुख्य अतिथि केपी सिंह जी का, और तालियां बजती रहें, हमें उत्साहित करती हैं तालियां, प्रोत्साहित करती हैं तालियां, इसलिए बजती रहें। परिदृश्य अभी हम सूचित हो रहे थे कि हमारे विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी